ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 8/8/2024 के अनमोल मावा के सुनते हैं मीठे बच्चे। बाप टीचर और सतगुरु, यह तीन अक्षर याद करो तो अनेक शिफते माना स्पेशलिटीज या विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा के सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है, इसी से ही पद्मा पद्म पति बनते हो। प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तो बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है, सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज है, इस राज को जानने वाले बच्चे सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। बाबा रूहानी, बाप के रूहानी बच्चे, यह तो हर एक जानते होंगे। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं, सिर्फ यह तीन अक्षर याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए, जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा टीचर और सतगुरु है। यह याद हो तो भी ठीक है, और कोई की याद ना आए, और कोई को तो ऐसे कह न सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। कितने बार बाबा ने रिपीट किया है, कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये तीन अक्षर भी भूल जाते, बुद्धि में धारण नहीं होती। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना, बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते, वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है। बाबा बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें ही क्या है, मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते, पवित्र बनाते, क्योंकि पति पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं सबको यही कहो कि मुझे याद करो, मेरा मैसेज दो बाबा कहते, मुझे सभी याद करें परमधाम में आकर। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो पद्म कैसे पाएंगे? पद्म पति तो सर्विस से ही बनते हैं। कैसे बनेंगे? सर्विस से ही। सर्विस ही कदम में पद्म ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पद्म दोनों को मिलेगा ना, यह भी बुद्धि कहती है। पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, आकर्षण हो। सर्विस से ही पद्म मिले हैं। देखो सिर्फ एक ही बात सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं, कौन सी बात है? बेहद का वो हमारा बाप है, आया है, परंतु बाप का भी किसी को पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉडफादर कहते रहते हैं, वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा नहीं पढ़ते हैं अच्छी तरह से नॉलेज, उनको क्या कहेंगे फिर? अनपढ़ा कहेंगे। बाबा कहते हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी न पढ़े हुए यह तो समझ सकते हो ना, हम भाई भाई हैं, हमारा बाप बेहद का है। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर अभी न आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों हैं? हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? तीर्थों पर क्यों जाते हैं? वहाँ बैठा है क्या? कोई भी नहीं जानते हैं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से पावन कोई कैसे बन सकता है?
स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अभी है कलयुग। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई है। जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं, यह बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं और सबकी सबको सदगति भी देते हैं, सुख देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना बच्चों को। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और भर कितना भी काका मामा चाचा आदि है परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती है। अंतर्मुख हो विचार करना है, बाप ठीक कहते हैं, गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, गुरु के पास कोई जायदाद नहीं होती, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमको तुमने संन्यास किया है, सभी हम भाई बहनों ने संन्यास किया है, किस चीज़ का? विकारों का। वो तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है, हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का, सतयुग है नई दुनिया ये भी जानते हैं। नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं, स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ भी नहीं है। तो बाप बच्चों को सिर्फ कहते हैं ये विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे, अक्षर भी दो हैं, मन मना भव, इसमें सब आ जाता है। परंतु यह भी भूल जाते हैं, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है, नहीं तो रोज लिख करके दो इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे, योग के लिए बैठते हैं ना, तुम बैठे हो बाप टीचर और सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए। स्टूडेंट को टीचर याद जरूर आएगा, परंतु यहाँ माया है ना, क्या काम दिया उसको, माया क्या करती है, सबका माथा मोड़ लेती है, सारा राज्य भाग्य ले लेती है, तुमको पता ही नहीं पड़ता है, आए थे वर्षा लेने पर तो मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे कहेंगे ना, भर स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई थोड़ी बात है, वह बड़ी बात थोड़ी है, या आए भर परंतु पड़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना, यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। लेकिन जो स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं उनके उनको फर्स्ट रैंक में फर्स्ट डिवीजन में आने की इच्छा होती है, लक्ष्य रखते हैं वो, ऐसे नहीं जो भी पद मिले नहीं, वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है, पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, बाप से ऊँचते ऊँच पद पाना है तो पुरुषार्थ जरूर करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा, यहाँ बैठने से सब याद आ जाता है, परंतु यह भी याद आता नहीं, अगर याद आए तो किसको सुनाएगा भी ना, नॉलेज हमारी बुद्धि में टपकती रहती है, मंथन चिंतन चलता है, तो हम औरों को सुनाने के बिना नहीं रह सकते। चित्र तो सबके पास है, शिव के चित्र पर तुम कोई को भी सुनाएंगे ना तो कभी भी कोई गुस्सा नहीं करेंगे, बोलो आओ तो हम आपको बताएं, यह बेहद का बाप शिव है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है, ऐसे फालतू चित्र नहीं होना नहीं होगा, शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है, भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है, वह शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, टीचर भी आत्मा ही बनती है, बाप भी इस रथ पर आकर के पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ कलयुग का नाम निशान नहीं, मनुष्य कहाँ से आएंगे, सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन सेवा के ख्याल आते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती है, जैसे बुद्धू बैठे हैं बाबा को समझ नहीं सकते, पति पावन बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी।
बेहद के बाप की मिल्कियत क्या है? स्वर्ग। बच्चों के पास बैच भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। आजकल तो सब जगह पे ये हो रहा है ना, शरीर छोड़ रहे हैं तो वहाँ जा करके बाबा कहते ज्ञान सुनाओ, उन लोगों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ नहीं कहेंगे। बड़ा वाला चित्र रखेंगे कोई नहीं कुछ बोलेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो, सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। यह शिव बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु हैं। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना, बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को भी याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर के मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो, ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है ना, वो कैसे आती है? वो भी ऊपर से ही आती है ना। पार्ट बजाने के लिए यह भी बाबा आकर समझाते, बेल पर तो आ न सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, जन्म जन्म बाय जन्म हमने भक्ति की है, एक दो जन्म नहीं 63 जन्म हमने भक्ति की है। युक्ति से चलना है, किसको उठाने लिए सोचना चाहिए, क्या क्या युक्ति रचे, कोई को नाराज भी नहीं करना है, उनकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो, गंगा जी पर भी जा कर के बैठ जाओ। बोलो यह पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर वह पतित पावन है यह है या यह है। ऐसे नदियां तो ढेर है, बाप पतित पावन तो एक ही है, यह पानी की नदियां तो सदैव है ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, आते भी है पुरुषोत्तम संगम पर, आकर पावन बनाते हैं, वहाँ कोई पतित होता नहीं, नाम है स्वर्ग नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया, ही संगम युग का तुमको पता है और कोई समझ न सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं, बुद्धू भी न बनो। बाबा कहते बुद्धू भी नहीं बनो। कहते हैं अमरनाथ पर कबूतर होते हैं, पिजन, ये पिजन क्या करके पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से लेकर के कबूतर आते हैं, नहीं, यह भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिख करके बांधेंगे तो ले जाएगा। पहले के ज़माने में कोई साइंस की इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, तो ये करते थे मैसेज पहुंचाने के लिए। उनको सहज रीति दाना मिलता है ना, तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं है। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है स्वर्ग की, तुम्हारी बुद्धि में है। विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है वो फिर समझते दाता दाना तो यहाँ ही मिलता है, तो फिर गिर जाते हैं खुशी खुशी से। कबूतर वो संदेश देने के लिए उड़ जाते हैं। तुम हो चैतन्य, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है ना कि चिड़िया ने सागर को हफ कर लिया, सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहते हैं सत, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर करके ले आए। तो कहेंगे सत, अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र से मनुष्य व देवता रहते हैं ना, समुद्र में रहते हैं कैसे? कुछ भी समझते नहीं, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार।
सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई कोई बुद्धि में बैठता है। यह है ही बहुत सहज ज्ञान, सहज योग। बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी शिफ्ते भी बुद्धि में आ जाएंगी। शिफ्ते मतलब शिफ्ते माना स्पेशलिटीज, बाबा के गुण आते जाएंगे। अपनी जांच करनी चाहिए, हम सब बाबा को याद करते हैं वह और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है, कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, उनको ही याद करना है। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। यह सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की भी याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, यह है किसके कल्याण करने की युक्तियाँ। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो पावन भी कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी नहीं, हट्टी मना दुकान। तो जाएंगे कहाँ, बाबा के पास ही सबको आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, गृहस्थ व्यवहार में बहुत ही युक्ति से चलना है, कोई को भी नाराज नहीं करना है, पवित्र जरूर बनना है। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है, आज का वरदान है। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि, माना बेहद के वैराग्य। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में कहाँ भी लगाव है तो राजऋषि नहीं है। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो पाँव दो नाव में पाँव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। इसलिए राजऋषि बनो, बेहद के वैराग्य बनो, अर्थात मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। तो ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि। भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।